फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। और आज मेरे सामने खड़ी है ह्युंडई की ग्रैंड i10 नियोस, और ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है। फिलहाल हमारे सामने मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट खड़ा है। इसके अलावा आपको AMT का भी जो है ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये वाला जो वेरिएंट है काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है, क्योंकि इस वेरिएंट के अंदर आपको सारी ही ज़रूरतमंद चीज़ें देखने को मिल जाती है जो आपको डेली टू डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। स्टार्ट करते हैं फुल एक रिव्यू को, जानते हैं इस बेहतरीन से हैचबैक के बारे में कि आपको ऑफ़र क्या क्या कर देती है। लास्ट में इसके प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। अब अगर आप की बात करते हैं तो कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है, और लॉक अनलॉक के बटन से आपको देखने को मिल जाते हैं। टेल गेट के लिए भी जो है आपको अलग से बटन देखने को मिल जाता है। इसके अंदर आपको फ्लिप की देखने को मिल जाती है, और सेकेंडरी की जो है इसके अंदर आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम बात करते हैं कार की, तो कुछ इस तरीके का एक वाइट कलर है जो कि बहुत ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है इस गाड़ी को देखने में। बाकी अगर आप देखेंगे तो रूफ रेल्स भी आपको ऊपर देखने को मिल जाते हैं। सामने की बात करते हैं, कुछ इस तरीके का हेडलाइट यूनिट इसके अंदर मिल जाता है। हेलोजन बेस्ड इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे, और नीचे के साइड आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं। यहाँ विंड कर्टन मिलता है। नीचे की साइड अगर आप देखते हैं कुछ आपको पियानो ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट देखने को मिल जाएगा ग्रिल के ऊपर, और इसकी ग्रिल जो है बहुत ज़्यादा वाइड देखने में लगती है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी लगेगी देखने में। यहाँ आपको लोगो देखने को मिल जाता है, सैटिन फिनिश में आपको लोगो देखने को मिलेगा हुंडई का। वहीं व्हील्स की बात करते हैं, इसके अंदर जो व्हील्स ऑफर किए गए हैं ये व्हील्स जो है स्टील रिम ही है, लेकिन ये स्टाइलिश स्टील रिम है। इसके ऊपर व्हील कैप लगाया गया है, जिसके वजह से थोड़ा सा और ज़्यादा ये अच्छा और प्रीमियम लुक देता है। अब अगर आप इसके साइज़ की बात करते हैं, 175/60R 15 inches का आपको सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा सेक्शन है। साइड में कोई भी क्लैडिंग देखने को नहीं मिलेगी। ये एक हैचबैक है, जिसकी वजह से आपको जो है साइड में कोई भी क्लैडिंग देखने को नहीं मिलती है। बी पिलर की बात करते हैं, मैट ब्लैक फिनिश में यहाँ बी पिलर देखने को मिल जाता है। ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे, फोल्ड एंड फोल्ड ये हो जाता है। एडजस्ट भी आप इसको इलेक्ट्रॉनिक वे में कर सकते हैं। बॉडी कलर इसके अंदर हैंडल्स मिल जाते हैं। पीछे की बात करते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक इसके अंदर ऑफर किया गया है। यहाँ फ्यूल लिड देखने को मिल जाता है, GI10 का यहाँ आपको पूरा ही देखने को मिल जाएगा। रेयर प्रोफाइल की बात करते हैं, कुछ इस तरीके का रेयर प्रोफाइल देखने को इसके अंदर मिल जाता है। कनेक्टेड लाइटें इसके अंदर नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप इसके ये वाले एरिया को देखते हैं तो ये पूरा ही रिफ्लेक्टर वाला एरिया मिलता है। यहाँ आपको DRLs देखने को मिल जाते हैं। ग्रैंड i10 नियोस आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स का आपको बैज वहाँ देखने को मिलेगा। पीछे गाड़ी के वाइपर नहीं है, और यहाँ आपको डिफॉगर देखने को मिल जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप, शार्क फिन एंटीना यहाँ देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं बम्पर पे, दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, एक कैमरा वहाँ मिल जाएगा, दो आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की, तो यहाँ से आप जो है गाड़ी के इंटीरियर में एक्सेस कर सकते हैं। डायमेंशंस आपको जो है ऊपर लिखे हुए आ जाएंगे, तो आप गाड़ी के डायमेंशंस भी देख सकते हैं। डोर ट्रिम की बात करते हैं, कुछ इस तरीके का डुअल टोन में डोर ट्रिम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ आपको सारे ही कंट्रोल्स मिल जाते हैं। पावर विंडो, ऑटो डाउन फंक्शन देखने को मिल जाएगा। बाकी जो तीनों पावर विंडोज मिलेंगे नॉर्मल मिलेंगे। लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है। ORVM फोल्ड अनफोल्ड आप यहीं से ही जो है कर सकते हैं, एडजस्ट भी आप यहीं से कर सकते हैं। बॉटल होल्डर मिल जाता है, कुछ स्पेस यहाँ स्पीकर का सेटअप। और सीट्स की बात करते हैं, तो सीट्स इसकी थोड़ी सी आपको ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी। हाइट एडजस्टमेंट सीटों के अंदर मिल जाता है। फैब्रिक सीटें इसके अंदर ऑफर की गई है। यहाँ आपको साइड में ब्लैक पाइपिंग भी देखने को मिलेगी, और साइड वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा आपको लेदराइट फिनिश में देखने को मिलता है। सीटों के अंदर एयरबैग्स भी इसके अंदर ऑफर किए गए हैं। सीट में जो हेड एडजस्टमेंट है वो आपको आगे वाली सीटों के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर आप पीछे देखते हैं तो पीछे जो है आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलता है पीछे वाली रो के लिए। अब एक बार मैं इसके इंटीरियर में चल लेता हूँ, इंटीरियर में दो तीन चीज़ें दिखा देता हूँ। इसके अंदर आपको जो है पहले तो तीन पैडल मिल जाएंगे और एक डेड पैडल मिल जाता है। उसी के अंदर आपको एक एम्बियंट लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि ब्लू कलर में ग्लो करती है। यहाँ ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन मिल जाता है, लाइट लेवलर मिल जाता है। और एक सेकंड मैं इसको जो है ऑन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बाकी चीज़ें दिखा देता हूँ। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरीके का पूरा ही इंटीरियर मिल जाता है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको पूरी ही देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं इस पोर्शन की, तो यहाँ के साइड आपको एक पूरा ही क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको टैकोमीटर मिलेगा, यहाँ स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, हीट गेज ऊपर आपको पूरी ही माइलेज वगैरह शो करता रहेगा, जो ओवरऑल चीज़ें हैं आपको इसके अंदर शो करता रहेगा। तो बेसिकली इस क्लस्टर के अंदर आपको एक अच्छी खासी डिटेल देखने को मिल जाती है। वाइपर से कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल भी है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो म्यू सिस्टम से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। टाइप सी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। 12 वॉट का सॉकेट, USB सॉकेट मिल जाता है। एक 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा। जो कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक मिल जाएगा।
और बीच में कुछ छोटा मोटा स्पेस भी आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है। डैशबोर्ड की बात करते हैं, ये भी डुअल टोन में इसके अंदर ऑफर किया गया है। ब्लैक एंड बेज का कॉम्बिनेशन इसके अंदर देखने को मिल जाता है। स्क्रीन की बात करते हैं, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों ही इसके अंदर चल जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से। और जो इतना पैनल आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, ये पूरा ही पियानो ब्लैक फिनिश में जो है दिया गया है। IRVM देखेंगे तो ये आपको जो है मैनुअली एडजस्ट आप इसको कर सकते हैं। और ग्लव बॉक्स की बात करते हैं, एक अच्छे खासे डिसेंट साइज के साथ आपको जो है ग्लव बॉक्स इसके अंदर देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेगी। अब एक बार पीछे चल लेते हैं, कितना कुछ स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ओवरहेड यूनिट एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। टिकट होल्डर मिल जाता है, माइक है, और यहाँ एक वैनिटी मिरर मिल जाता है। अब चलते हैं जी पीछे, और पीछे की बात कर लेते हैं। मैं सीट को एक बार एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर चलते हैं पीछे। चलते हैं जी पीछे और बात कर लेते हैं पीछे वाले स्पेस की। ये कुछ इस तरीके का डोर ट्रिम मिल जाता है डुअल टोन में जो है। पीछे आपको डोर ट्रिम देखने को मिल जाएगा, पावर विंडोज यहाँ मिल जाते हैं, डोर्स यहाँ से ओपन हो जाते हैं, यहाँ से आप चाइल्ड सेफ्टी लॉक इनेबल कर सकते हैं। बाकी अगर आप देखेंगे पीछे के साइड आपको जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। इसके अंदर आपको 60-40 का फंक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ना ही आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। एक बार मैं इंटीरियर में चलता हूँ, और जो स्पेस है इंटीरियर का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा नेक्स्ट लेवल का आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। नी रूम आप देख सकते हैं, आगे वाली सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रखी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस है। लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ आपको ब्लोअर देखने को मिल जाएगा, नीचे के साइड आपको 12 वाट का सॉकेट देखने को मिल जाता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं ओवरहेड यूनिट की, तो यहाँ आपको एक केबिन लैंप देखने को मिल जाता है, यहाँ एक ग्रैब हैंडल मिल जाएगा जो कि सॉफ्टली बंद होता है। और वहीं अगर हम बात करते हैं हेडरूम की, तो कुछ इस तरीके का हेडरूम इसके अंदर देखने को मिल जाता है। मेरी हाइट 5.7 है, जिसके अकॉर्डिंग हेडरूम मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है इसके अंदर। अब एक बार इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, कितना कुछ बूट स्पेस इसके अंदर देखने को मिलेगा। डोर थर्ड की बात कर लेते हैं, एक बार डोर थर्ड सुन सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा खासा डोर थर्ड भी देखने को इसके अंदर मिल जाता है। बूट स्पेस की बात करते हैं, तो एक अच्छा खासा बूट स्पेस देखने को मिलेगा इसके अंदर। आपको मैग्नेटिक बटन मिलता है, और ये कुछ इस तरीके का बूट स्पेस इसके अंदर मिलता है। अच्छा खासा बूट स्पेस है, और ओवरऑल प्रैक्टिकल यूज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहने वाला ये। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके नीचे वाले पोर्शन की, तो इसके अंदर स्पेयर व्हील मिल जाता है जो कि स्टील रिम में है। और जो साइज़ इसके अंदर देखने को मिलेगा, वो साइज़ इसके अंदर देखने को मिलेगा लगभग R14 इंचेस का छोटा आपको देखने को इसके अंदर मिलता है। तो यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिलता है, यहाँ से आप इसको जो है बंद कर सकते हैं। अब एक बार इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ से जो है मैं इसका हुड ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको इसके इंजन स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ किस हिसाब का इंजन स्पेसिफिकेशन मिलेगा। और यहाँ से इसका हुड ओपन हो जाता है। 1.2 लीटर का एक नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इफिशियंट है, और पावर फिगर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी मिलती है इसके अंदर। जो पावर फिगर्स मिलेगी लगभग 81 BHP निकाल के देता है, और लगभग 113 NM का टॉर्क की आराम से निकाल के दे देता है। माइलेज की बात करते हैं, लगभग 18 से 19 तक की माइलेज ही आराम से निकाल के देता है। ये इंजन काफ़ी ज़्यादा साइलेंट है, ये हुंडई का कापा इंजन है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने आप में फेमस इंजन है। और ओवरऑल इसकी जो पावर फिगर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस कर देगी। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है चलने में। बाकी अगर आप देखेंगे इसके अंदर इंसुलेशन आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है, बाकी कोई इतना इशू इसके अंदर क्रिएट होगा भी नहीं, क्योंकि इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा साइलेंट दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग की, क्या कुछ प्राइसिंग इसके अंदर देखने को मिल जाती है। ये वाला जो वेरिएंट है ग्रैंड i10 नियोस स्पोर्ट्स वेरिएंट है, इसके अंदर आपको CNG का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फिलहाल मेरे सामने जो खड़ा है ये प्योर पेट्रोल वाला वेरिएंट है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिल जाता है। इसकी जो ओवरऑल एक्सशोरूम प्राइसिंग रहने वाली है लगभग 7,27,000 रुपये के आसपास की इसकी प्राइसिंग रहने वाली है, और ऑन रोड जाते जाते लगभग 8,30,000 रुपये के आसपास की जो है इसकी ऑन रोड प्राइसिंग चली जाती है। 8 लाख रुपये प्राइसिंग के साथ ये जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा पैकेज आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाएंगे, DRL देखने को मिल जाते हैं, फोल्ड एंड फोल्ड मिरर्स देखने को मिल जाते हैं, एक अच्छा खासा म्यूजिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। गाड़ी के अंदर आपको जो है बूट स्पेस, लेग स्पेस, ओवरऑल गाड़ी के अंदर स्पेस काफी अच्छा खासा मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको फीचर्स भी काफी अच्छे खासे मिलते हैं, जैसे कि क्रूज कंट्रोल आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम बात करते हैं, गाड़ी काफी ज्यादा वैल्यूएबल है, और ओवरऑल साइज अगर आप देखते हैं तो सिटी यूजेस के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी खासी रहने वाली है। बाकी अगर आप गाड़ी के डायमेंशंस देखते हैं, ओवरऑल लुक्स देखते हैं, डिज़ाइन लैंग्वेज देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी दी गई है, जिसकी वजह से हाईवेज पे आप इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा इजीली चला सकते हैं। ओवरऑल ट्रैवल इस गाड़ी के साथ जो है आप आराम से कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं एक नए अमेजिंग वीडियो के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। थैंक यू।